So today I'm going to revise chapter Nazism in Germany and Russian Revolution. First of all the topics of Russian Revolution. Isme aapne kon kon se topics padhne hain. Now listen carefully. So first aapne padhna hai revolt of 1905. Causes, impacts. Revolt of 1905 ke causes. Causes, you know it very well, autocratic rule. अब मैं सारे explain नहीं करूंगी, सिर्फ main main points बोलूंगी. Because you have done the revision thoroughly, तो एक बार मैं फिर recap कर रही हूँ उस topic को. Autocratic rule in Russia, you have to explain. Then इसमें आप ज़ार और ज़रीना के बारे में बताओगे, backward country बताओगे. Then poor condition of workers, you can write. आप अपने आप लिख लोगे कि वर्कर्स की कैसे पुअर कंडीशन होती है, आप बता दोगे वेजेस कम, वर्किंग आवर्स मोर, सब कुछ आप लिख दोगे. फिर नेक्स्ट आप बताओगे सोशलिज्म. तो यूरोप की कंट्रीज में सोशलिज्म आ चुका, स्प्रेड हो रहा था. अभी कोई भी कंट्री सोशलिस्ट नहीं बनी थी, सोशलिज्म अभी स्प्रेड हो रहा था. तो लेनिन, रॉबर्ट ओवन जैसे सोशलिस्ट अपने आइडियाज स्प्रेड कर रहे थे. तो उससे वही सोशलिज्म रशिया में भी आया एंड रशिया में ड्यू टू सोशलिज्म रिवोल्ट हो गया. लोग सोशलिस्ट बनाना चाहते थे अपनी कंट्री को. फिर आप फोर्थ पॉइंट बताओगे रूसो जापानीज वॉर. फिर रशिया एंड जापान में लड़ाई हुई. जापान एक छोटी सी कंट्री थी और रशिया उससे हारा. तो दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय द पीपल ऑफ रशिया. तो उन्होंने हर बात के लिए जार को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया. तो एक आप ये बताओगे. लास्ट आप बताओगे इमीडिएट कॉज, क्योंकि अगर रिवोल्ट होता है तो उसका इमीडिएट कॉज जरूर होता है कि ये तो चल ही जा रहा था साइड बाय साइड, पर ऐसा क्या हुआ कि सच में ही रिवोल्ट हो गया. तो वो था ब्लडी संडे इवेंट. तो इस बार पेपर में 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आने हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. व्हाट डू नो अबाउट रूसो जापानीज वॉर, हाउ कैन यू से इन रशिया देयर वाज ऑटोक्रेटिक रूल, या फिर आपको यही पूछी जा सकती है ये ब्लडी संडे इवेंट को एक्सप्लेन करो. कुछ भी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं रिवोल्ट्स के कॉजेज में से. ठीक है, तो इसमें आप बता दोगे कि ब्लडी संडे, संडे का दिन था, फादर गेपन के अंदर पीसफुल प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स वाज गोइंग टू विंटर पैलेस. अब जार को लगा, वो तो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे थे, बट जार को लगा कि वो टैप करने आ रहे. जार ऑर्डर द आर्मी टू फायर ऑन द वर्कर्स. 100 वर्कर्स इसमें मारे गए, 300 गॉट इंजर्ड. तो इस इंसिडेंट को रशियन हिस्ट्री में हम कहते हैं ब्लडी संडे इवेंट. रशियन हिस्ट्री में से कहा गया ब्लडी संडे. अब इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ तो इम्पैक्ट्स क्या होंगे, स्ट्राइक्स होंगे रशिया में. और पूरे रशिया में जितने स्कूल कॉलेजेस थे दे वर क्लोज्ड. स्कूल कॉलेजेस क्लोज हो चुके थे. और फिर रशिया में जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करी जा रहे थे, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे इन रशिया. तो लोग जो थे दे डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ डूमा. डूमा रशियन पार्लियामेंट को कहते हैं. तो जार ने देखा कि उसको लगा कि ऐसे पीस तो मेंटेन होनी नहीं है, टू क्रिएट डूमा उसको क्रिएट करनी पड़ी. बट आफ्टर 75 डेज ही सस्पेंडेड इट. जब पीस मेंटेन होगी तो उसने चलाकी की. Because he didn't want a reduction of his power, तो उसने डूमा को सस्पेंड कर दिया. तो ये आप लिखोगे इम्पैक्ट्स में. अब ये टॉपिक आई थिंक अगर 5 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनपॉपुलरिटी ऑफ जार. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जार अनपॉपुलर हुआ, ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले तो यू नो इट वेरी वेल कि उसके पास वेपन्स ही नहीं थे. रशिया एक बैकवर्ड कंट्री थी, आर्मी नहीं थी, फिर भी उसने पार्टिसिपेट किया. उसका गलत डिसीजन था ये टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, जबकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं, वेपन्स ही नहीं थे. तो उसका ये रॉन्ग डिसीजन था बिकॉज ही वॉज मिसगाइडेड बाय फोर्स्ड बाय ज़रीना. तो इस वजह से आप बता सकते हो कि उसने पार्ट लिया, उसने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉलो की, पीजेंट्स वर्कर्स को जबरदस्ती क्या बनाया, सोल्जर्स. अब इस वार में बहुत से लोग मर गए, मैनी गॉट मैनी बिकेम रिफ्यूजेस. रशिया में रिफ्यूजेस भी बढ़ गए थे. एंड फिर साथ में बताओ, क्योंकि रशिया एक पावर, लाइट पावर का पार्ट थी, तो रशिया की कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी. तो ह्यूज प्रॉपर्टी ऑफ रशिया ऑल्सो गॉट डिस्ट्रॉयड. तो इस वजह से आप बता सकते हो कि रशिया में साथ में फूड ग्रेन्स भी नहीं थे, शॉर्टेज हो चुकी थी, बिकॉज पीजेंट्स कहाँ गए थे वार लड़ने.
तो ये सारी बातें काउंट होती हैं कि ज़ार ने अनपॉपुलर ही होना था, अगर लोग इतनी प्रॉब्लम्स में थे तो रूलर तो अनपॉपुलर होएगा ही होएगा। तो नेक्स्ट आप बता सकती हो कि 1917 फेबरी वोल्ट, अब इस रिवोल्ट के कॉजेज 1905 से मैच होते हैं। थ्री कॉजेज मैच हो जाने, ऑटोक्रेटिक रूल, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर, सोशलिज्म। बस वहां पे आपको अपने रूसो जापानीज वार लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार आ जानी है, शॉर्ट में लिख देनी है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाना है इमीडिएट कॉज में, आप 50 फैक्ट्री वाला लिखोगे, वो जो एक वर्कर को निकाल देते हैं उसके फेवर में स्ट्राइक होती है। तो जार अपनी आर्मी भेजता है, लोग इकट्ठे होते हैं, वो इनके बिल्डिंग्स पे अटैक करते हैं ऑफिशियल्स की, तो जार सेंड आर्मी टू अटैक ऑन देम। दिस टाइम अब जो सोल्जर्स थे उन्होंने स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ हैंड ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट डे डेलीगेशन ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स जो इनके साथ मिल गए थे वो जार के पास जाते हैं और उसे एडवाइस करते हैं टू गिव अप हिज थ्रोन, ही गिव अप हिज थ्रोन। तो विद दिस ऑटोक्रेटिक रूल या मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया केम टू एन एंड, एंड फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया। फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है और वो सेटअप होती है अंडर करेंजकी। अब करेंजकी जो है वो अति अनपॉपुलर हो रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि करेंजकी ने नॉन रशियंस को राइट्स नहीं दिए थे, ही डिड नथिंग फॉर नॉन रशियंस। करेंजकी डिड नथिंग फॉर रशियंस, रशियंस की मेन डिमांड थी टू कम आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, करेंजकी डिड नथिंग, ही डिडंट टेक रशियंस आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ना ही उनको राइट्स दिए नॉन रशियंस को, तो इस वजह से करेंजकी अनपॉपुलर हो गया। और उधर से दूसरी साइड से कौन पॉपुलर हो रहा था, लेनिन। तो लेनिन वाज, जैसे हिटलर वाज बिकमिंग पॉपुलर, वेमर रिपब्लिक वाज बिकमिंग अनपॉपुलर, सेम एज हियर। तो हम कहेंगे कि करेंजकी जो था अनपॉपुलर हो रहा था एंड लेनिन वाज बिकमिंग पॉपुलर। अब लेनिन क्यों पॉपुलर हो रहा है, फिर टू मार्क्स का क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस, बिकॉज लेनिन ने अप्रैल थीसिस इंट्रोड्यूस किए थे। लेनिन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ फेब वाज इन स्विट्जरलैंड, ही वाज एक्साइल्ड टू स्विट्जरलैंड, केम टू रशिया इन द मंथ ऑफ फेब, सॉरी अप्रैल, इशूड अप्रैल थीसिस, मेड थ्री प्रोमिसेस, आपको उसके प्रोमिसेस आने चाहिए, उसमें गप नहीं मारनी कोई भी, उसके प्रोमिसेस ही लिखने, आप अपने वजह से नए प्रोमिसेस उसके बना देते हो गलत, तो आपने उसी के प्रोमिसेस लिखने हैं कि ही वुड टू क्रश आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ही वुड नेशनलाइज द बैंक, ही वुड गिव राइट्स टू नॉन रशियंस। बाकी उसने बहुत कुछ किया, आप वो नहीं लिखोगे, ठीक है। तो फिर करेंजकी के प्रोमिसेस, सॉरी लेनिन के प्रोमिसेस लोगों को अच्छे लगे, लोग उसके फॉलोअर होते चले गए। अब लेनिन पावर में कैसे आया, पॉपुलर तो हो गया, पावर में कैसे आया, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स में झगड़ा हुआ, और इस झगड़े में जो जो आपने लिखना आप लिखो कि क्या क्या होता है, आपको पता ही है, अटैक किए एक दूसरे के बिल्डिंग्स पे, लियोन ट्रोटस की यहाँ पे जरूर मेंशन करना है कि वो रेवोल्यूशनरी पार्टी का लीडर बनाया बोल्शेविक्स ने। फिर आप बताओगे कि कैसे वायलेंस हुई पूरे रशिया में और किसने सारा कुछ कंट्रोल किया, लेनिन। तो लेनिन अपने आप पावर में आ गया, इस वजह से करेंजकी की गवर्नमेंट फेल हो गई, लेनिन केम टू पावर, तो इस वजह से लेनिन का रूल आ गया। अब लेनिन ने जैसे ही पावर में आया, ही मेड हिज, ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिसेस, इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन रशिया, तो उसको कहते हैं अक्टूबर चेंजेस, क्योंकि लेनिन अक्टूबर में पावर में आया, अक्टूबर 1917 में पावर में आया, तो उसको कहते हैं अक्टूबर चेंजेस। अब जो जो उसके पहले तो प्रोमिसेस आपके तीन पॉइंट्स वहीं से बन जाने हैं, फिर बाकी आप खुद लिख दो कि आस्क पीपल टू सरेंडर द टाइटल्स, ही मेड रशिया वन पार्टी स्टेट, दैट वाज ओनली बोल्शेविक पार्टी, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री बन चुकी थी, सोशलिस्ट कंट्री बन चुकी थी, लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो इस वजह से लेनिन के रिफॉर्म्स लिख दो। फिर आ जाना है लेनिन के डेथ हुई तो कौन आया, स्टालिन। फिर कलेक्टिवाइजेशन है, कलेक्टिवाइजेशन आपको आता है, कोल कोस कुलक्स उसमें मेंशन होना चाहिए। फिर आ जानी है सिविल वार, सिविल वार किस किस में हुई, बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स में हुई, यू नो इट वेरी वेल कि बोल्शेविक्स ने किसको राइट दिए थे, तो इट मीन्स बोल्शेविक्स की हेल्प किसने की, नॉन रशियंस। अब उधर से नॉन बोल्शेविक्स जो थे वो कुलक्स थे, जो रिच पीजेंट्स जिनकी लैंड हाथ से जा चुकी थी, तो उनकी हेल्प, क्योंकि वो सोशलिज्म की फेवर में, तो उनकी हेल्प वो कंट्रीज ने की जो कि सोशलिस्ट नहीं बनना चाहती थी, और वो कौन सी कंट्रीज थी, यूके, फ्रांस, यूएसए, ये नहीं बनना चाहती थी सोशलिस्ट, इन कंट्रीज ने इनकी हेल्प की, बट जीतता कौन इसमें, बोल्शेविक्स। तो इस वजह से अब वैसे होती क्या सिविल वार, अगर वन मार्क्स में, टू मार्क्स में पूछा जाए, व्हेन देयर इज वार बिटवीन पीपल ऑफ द सेम, पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम कंट्री, गिव एग्जांपल, तो सच टाइप ऑफ वार वाज हैपेंड इन श्रीलंका में भी हुई, आप श्रीलंका भी लिख सकते हो, अगर नहीं कुछ पूछा ना उन्होंने तो, ऐसी वार श्रीलंका में भी हुई थी, श्रीलंका में लैंग्वेज को लेके हुई थी,
और फिर आप, हाँ अमेरिका में भी हुई है, तो अब आप यहाँ पे बता सकते हो ऐसी वार कहाँ पे। यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी कंट्री, अगर नहीं उन्होंने पूछा तो। वैसे आपको पता है कि रशिया इज एग्जाम्पल, ठीक है। तो इतना फिर इसके बाद आया था रशियन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड ऑन द वर्ल्ड। अब कर लोगे इतना तो, क्या रशिया पे असर पड़ा, क्या वर्ल्ड पे असर पड़ा, यू कैन डू। तो इसके इसके अलावा इस लेसन के, हाँ यहाँ सोसाइटी के बारे में पूछ सकते हैं, तब की सोसाइटी कैसी थी, कैसे वो फ्रेंच सोसाइटी से डिफरेंट थी। तो फ्रांस में वुमेन जो थी मोस्टली वो बिजनेस चलाती थी। फ्रांस की वुमेन फ्लोरिस्ट ऐसे छोटे छोटे बिजनेस या जॉब्स करती थी। रशिया में मोस्टली वुमेन फैक्ट्रीज में वर्क करती थी। तो इस वजह से आप बता सकते हो रशियन सोसाइटी फ्रांस की सोसाइटी से डिफरेंट थी। रशिया में जो पीजेंट्स थे वो लैंड चाहते थे हमारे में बांट दी जाए रिच की, और वो अपने रिच पीजेंट्स का मर्डर तक करते थे। वेयर एज इन फ्रांस वो हेल्प करते थे। पुअर पीजेंट्स जो थे वो दे नेवर मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, वो हेल्प करते थे। कई बार उन्होंने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट रिच पीजेंट्स की हेल्प भी की हुई है। तो इस वजह से आप बता सकते हो रशियन सोसाइटी एंड फ्रेंच सोसाइटी में बहुत फर्क था, ठीक है। फ्रांस को तो आप जर्मनी से भी कंपेयर करते हो ना वुमेन को लेके। फ्रांस की वुमेन कहीं ना कहीं फ्रांस बेटर था। फ्रांस की वुमेन को कैसे राइट्स मिले हुए थे, है ना, वेयर एज जर्मनी में तो राइट मांग ही नहीं सकती थी। हिटलर तो लॉ ही नहीं करता था। हिटलर तो कहता था ओनली डू हाउस होल्ड वर्क, टेक केयर ऑफ द फैमिलीज। वेयर एज इन फ्रांस तो वो तो छोटे छोटे बिजनेस चलाती थी, है ना, जॉब्स करती थी और राइट्स को भी मांग सकती थी। वेयर एज इन जर्मनी वुमेन वर नॉट अलाउड। तो फ्रांस में हम कहेंगे वो अपने पोलिटिकल एसोसिएशन स्टार्ट की उन्होंने, या ज्वाइन की, क्लब स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए वुमेन ने। वेयर एज इन जर्मनी तो कुछ भी अलाउ नहीं था उनको, वुमेन वर नॉट अलाउड। तो जर्मनी में कहीं ना कहीं वुमेन की कंडीशन पुअर थी इफ वी कंपेयर देम विद द कंडीशन ऑफ द वुमेन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की वुमेन की लाइफ अच्छी थी, जर्मनी की वुमेन की लाइफ अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। मैंने कहा ही था मैंने मिक्स डिविजन करा देनी है इसकी। आप आ गया आपका ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा, रूलर केसर विलियम भाग गया वहां से, कहाँ चला गया वो दूसरी कंट्री। उसकी एब्सेंस में पार्लियामेंट्री पार्टी जर्मनी की मेट एट वेमर। वेमर जगह का नाम है तो इसका नाम पड़ गया वेमर रिपब्लिक। अब क्यों मिली वहां पे पार्लियामेंट्री पार्टी, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी ऑन फेडरल लाइंस। अब फेडरल लाइंस पे बनाना था, मींस कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आ रहे थे, पावर्स शेयर कर रहे थे, लोगों को राइट्स दे रहे थे, तो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आ रहे थे, तो नो डाउट ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला रहे थे, बट लोग इसकी फेवर में नहीं थे। अब वेमर रिपब्लिक को एक आते ही एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी विद अलाइड पावर्स, दैट वाज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। अब ये ट्रीटी जो थी दैट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी। ये एक डिसग्रेस ट्रीटी थी, अगेंस्ट द प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी थी। इसकी टर्म्स जो थी वो ह्यूमिलेटिंग थी। लोगों को ये टर्म्स अच्छी नहीं लगी कि वेमर रिपब्लिक ने, क्योंकि वो साइन की थी, दैट्स वाई वेमर रिपब्लिक लोगों की नजरों में से, लोगों के सामने वो अनपॉपुलर हो चुकी थी। अब रीजन क्या थे उसकी टर्म्स, ट्रीटी ओवर सेल्स की टर्म्स भी आपको आ सकती हैं पेपर में, तो आपको टर्म्स आनी चाहिए। टर्म्स में से आपको पता ही है कि क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कितना फाइन, 6 बिलियन पाउंड फाइन देना था जर्मनी को टू अलाइड पावर्स, क्योंकि अलाइड पावर्स ने किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर दिस डिस्ट्रक्शन, जर्मनी। तो जर्मनी हैड टू पे 6 बिलियन वार फाइन, 6 बिलियन पाउंड वार फाइन देना था, इतना ज्यादा फाइन। तो नेक्स्ट फिर हम कहेंगे कि जर्मनी में नंबर ऑफ सोल्जर्स रिड्यूस कर दिए गए, और अलाइड पावर्स ने नंबर ऑफ सोल्जर्स जब कम किए तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जर्मनी में बढ़ गई। फिर हम कहेंगे जर्मनी के रूर एंड राइन वैली कौन ले गया, अलाइड पावर्स, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे। और हम कहेंगे जर्मनी की पॉपुलेशन, टेंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन ओवरसीज कॉलोनीज, तो ये सब कौन ले गया, अलाइड पावर। 75% ऑफ आयरन रिजर्व्स, 26% कोल रिजर्व्स, ये भी कौन ले गया, अलाइड पावर्स। तो ऑल द टर्म्स वर क्यूमुलेटिंग, नॉट टॉलरेटेड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, एंड दैट्स वाई ये जो टर्म्स के कारण वेमर रिपब्लिक क्या हो गई, अनपॉपुलर। वैसे भी और भी बहुत से रीजंस हैं वेमर रिपब्लिक की अनपॉपुलरिटी के। फर्स्ट तो आप ये टर्म्स बताओगे, टर्म्स वाले सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स नहीं बना देने, एक ही बात एक ही बार में लिखोगे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसी में दो तीन पॉइंट्स मेंशन कर दोगे। फिर आप बताओगे फाइनेंशियली क्रश्ड, तो ये फाइनेंशियली क्रश्ड थी, फाइनेंशियली क्रश्ड थी, इसके पास पैसा नहीं था। फिर लोन लेके लोन लिया हुआ था केसर विलियम ने,
दूसरी कंट्रीज से, तो उसको लोन से ये वार लड़ी थी। तो अब जर्मनी को गोल्ड रिजर्व्स में वो लोन वापस करना था, तो गोल्ड रिजर्व्स कहीं ना कहीं जर्मनी में डिप्लीट होते जा रहे थे। तो एक तो ये फाइनेंशियली क्रश थी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट थी, सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, यूथ क्राइम की तरफ जा रहा था, यूथ जो था वो जॉब्स मांगते थे, यूथ जो थे, और वो सारा दिन स्ट्रीट्स में क्या खेलते पाए जाते, प्लेइंग कार्ड्स। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यूथ जो था दैट वाज टर्निंग टुवर्ड्स क्राइम। तो इस ये भी एक रीजन बना उसके अनपॉपुलैरिटी का। और उसके पीरियड में इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए, करेंसी जो थी, वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ जर्मनी केम डाउन इन ट्रिलियंस। तो अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर अगर हम कंपेयर करें तो ट्रिलियंस में डाउन जा चुकी थी। प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज हायर, हाइपर इन्फ्लेशन का टाइम आ चुका था जर्मनी में। उसमें क्या होता है कि प्राइजेस फूड ग्रेन्स के अप जाते जाएं, लोगों के पास चाहे पैसा हो ना हो, प्राइजेस रोज हायर। तो प्राइजेस अप होते जा रहे थे क्योंकि करेंसी की वैल्यू डाउन होती जा रही थी। एक ब्रेड खरीदने जाते थे तो एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए कांट भर के पैसों का लेते जाते थे। तो इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहीं ना कहीं मेन रीजन बने फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ वेमर रिपब्लिक। एंड ऑन द अदर हैंड हिटलर वाज बिकमिंग पॉपुलर, ये भी एक रीजन बना अनपॉपुलैरिटी का। तो इस वजह से आप अनपॉपुलैरिटी वाला करोगे, पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर में आप यही बताओगे, फर्स्ट पॉइंट टू डिनाउंस द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। उसने कहा मैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की सारी टर्म्स तोड़ दूंगा। और क्या उसने कहा, ब्राइट फ्यूचर किसको देगा, यूथ को। और उसने क्या प्रॉमिस किया, ही वुड टुक पीपल आउट ऑफ डिस्ट्रेस सिचुएशन, ही वॉज गुड स्पीकर, हैविंग गुड पर्सनैलिटी, ही न्यू हाउ टू अट्रैक्ट पीपल। तो लोग जो थे ना उसे मसीहा कहते थे, हिटलर को, मैसेंजर सेंट बाय गॉड। दैट्स वाई हिटलर बिकेम पॉपुलर, हिटलर पॉपुलर हो चुका था। अब मैंने दोनों बोल दिए, अनपॉपुलैरिटी ऑफ वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक की अनपॉपुलैरिटी में यू कैन राइट के देयर वर वेरियस डिफेक्ट्स इन वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे लोगों को लगते थे वो डिफेक्ट्स थे नहीं, ठीक है। तो इज इट क्लियर। अब इसके बाद आपका आ जाएगा हिटलर की पॉपुलैरिटी के बाद हाउ हिटलर केम टू पावर। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। केम टू पावर में मेन पॉइंट इज इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट इज द मेन पॉइंट। पेपर में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू नो अबाउट इनेबलिंग एक्ट, एक्सप्लेन। इनेबलिंग एक्ट किसने पास किया था, हिटलर ने। अब इस इनेबलिंग एक्ट को का कौन सी डेट और ईयर, दैट इज मेंशनड इन द बुक, 3 मार्च 1933। 3 मार्च 1933 को हिटलर ने क्या पास किया, इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसकी डिस्ट्रक्शन हुई, डेमोक्रेसी। क्या स्टैब्लिश होगी, डिक्टेटरशिप, क्योंकि आर्मी, मीडिया, इकोनॉमी, हर चीज किसके अंडर थी, जुडिशरी किसके अंडर थी, हिटलर। एंड हिटलर सस्पेंडेड द सिविल राइट्स गिवन टू द पीपल बाय वेमर रिपब्लिक। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इनेबलिंग एक्ट जो था उसको पास करने के बाद हिटलर क्या बन गया जर्मनी में, डिक्टेटर। अब क्वेश्चन इज, अगर तो इनेबलिंग एक्ट आता है तो यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर, आपको सीधा यहीं से लिखना। अगर आपको आता है वो हिटलर केम टू पावर, देन स्टार्ट विद इलेक्शंस। फिर आपने इलेक्शन से स्टार्ट करना है कि जर्मनी में इलेक्शंस करवाए गए। 1928 में इलेक्शंस हुए, नाजी पार्टी को वोट्स नहीं मिले। फिर 1932 में फिर इलेक्शंस हुए, नाजी पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले, विनर थी ये। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को बुलाया, ही वांटेड टू मेक हिम चांसलर। हिटलर डिडंट वॉन्ट टू बिकम ओनली चांसलर, वो सिर्फ चांसलर ही बनके पार्लियामेंट के अंडर रह के वर्क नहीं करना चाहता था। तो मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑफ जर्मनी। हिटलर सेंट हिज एनिमीज टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, वहां भेज दिया इनको, क्योंकि एनिमी खत्म हो गए उसके। तो इस वजह से उसने अब पास कर दिया इनेबलिंग एक्ट, फिर आप वो लिख दोगे। इन दिस वे ही केम टू पावर। तो एक तो ये है, ठीक है, अगर 5 नंबर में आए तो ऐसे आएगा, 3 नंबर के लिए आए तो इनेबलिंग एक्ट से आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि हिटलर ने अब क्या क्या किया, पावर में तो आ ही गया। अब उसने सबसे पहले किन को अपने अंडर किया, छोटे छोटे बच्चों को, उनकी स्कूलिंग पे नजर रखी। उसको था कि कल को यही आगे आने वाली यूथ है, अगर यही मेरी फेवर में हो गए, जितने छोटे बच्चे थे उन पर नजर रखी, उनको ज्यूस बच्चों से अलग किया, स्कूलिंग पे नजर रखी। उसने बच्चों को स्कूल पे, स्कूलिंग स्टूडेंट्स जो थे ना उनको अपने अंडर किया, उनको बिगनिंग से एक पार्ट पढ़ाया वर्शिप,
हिटलर हेटेड द ज्यूज। अब जो बच्चा थ्रू आउट लाइफ ये पाठ पढ़ेगा स्कूल में उसने वैसा ही बन जाना। और उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज तक दिखाई, बच्चों के मनों में नफरत क्रिएट की फॉर द ज्यूज, उनको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई, ज्यूज के बैड करेक्टर्स उन्हें दिखाए गए। तो इस वजह से बच्चे जो थे वो हिटलर के फॉलोअर, जब वो बड़े हो गए स्कूल से बाहर आए आर्मी ज्वाइन की तो वो हिटलर के फॉलोअर थे। उसने वैसे भी जो आयरन बच्चे थे ना उन्हें आयरन हार्टेड बनाया, फिजिकली फिट बनाया, तभी वो उसकी आर्मी जो थी ना वो स्ट्रांग थी, आर्मी स्ट्रांग थी हिटलर की। तो इस वजह से हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं उसकी आर्मी भी स्ट्रांग थी। तो हिटलर ने गर्ल्स को बिगनिंग से ही काइंड हार्टेड बनाया, काइंड हार्टेड बनाया। गर्ल्स को ये सिखाया गया कि वो टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड हाउस होल्ड वर्क। तो ज्यूस बच्चों के साथ बिगनिंग से डिस्क्रिमिनेट किया, ज्यूस टीचर्स को उसने स्कूल से ही बाहर निकाल दिया। तो ऐसे वाले काम हिटलर ने किए स्कूल में। रेशियल साइंस सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया स्कूल में, तो इस वजह से उसने डिस्क्रिमिनेट किया। रेशियल एक्सपर्ट अपॉइंट किए हुए थे, जैसे ही बच्चा जैसे बर्थ होता ना बच्चे का तो उसको रेशियल एक्सपर्ट को दिया जाता था। आते न्यूली बॉर्न बेबी को एक टेस्ट क्लियर करना होता था, रेशियल टेस्ट। अगर बच्चा उस टेस्ट को क्लियर करता तो मदर को देते, नहीं क्लियर करता तो ना थालिया भेज देते होते थे बच्चे को, ये मिक्स रेस है, ये ज्यू है, तो इसको नाजी जर्मनी में राइट नहीं है रहने का। नाजी मदर्स को उसने गुड ट्रीटमेंट दिया, ज्यूज मदर्स के साथ उसने पुअर ट्रीटमेंट दिया। ज्यूज मदर्स को वो पनिशमेंट देता होता था, ही डिडंट वांट टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ज्यूज, ही वांटेड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आर्यन चिल्ड्रन। तो वैसे भी आर्यन को वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा देना चाहता था, उनके लिए जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट लबंसरम, उसके लिए जगह ज्यादा टेरिटरीज वो कॉन्कर करना चाहता था, अपने अंडर लाना चाहता था, पोलैंड पे अटैक किया, इसीलिए किया था ताकि नाजी जो आर्यन बच्चे हैं ना उनको ज्यादा स्पेस मिले नाजी जर्मनी में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाए। उनके लिए फूड सप्लाई की प्रॉब्लम जो थी उसे भी सॉल्व करना चाहता था कि इनको कभी भी शॉर्टेज ऑफ फूड फेस करनी ना पड़े। इसके लिए उसने ईस्टर्न यूरोप पे अटैक किया, रशियन कंट्रीज यूएसएसआर पे अटैक किया, जो कि बाद में जिसने उसको सक्सेस नहीं मिली थी, कहा गया कि उसका हिस्टोरिक ब्लंडर था। तो इस वजह से हिटलर ने नाजीज के लिए तो बहुत कुछ किया, आर्यंस के लिए बहुत कुछ किया, बट ज्यूज जो थे देवर वर्स सफरर इन नाजी जर्मनी। तो कैसे उसने प्रोपेगंडा अगर पूछा जाए, नाजी प्रोपेगंडा, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्रीज कार्टून्स कैरिकेचर्स के बारे में बताओगे। तो वैसे भी ज्यूज को वो क्या कहता होता था, लीव नाजी जर्मनी। तो उन्हें गैस चैम्बर भेजता था फॉर मास किलिंग, और इन्हें लो रैंक पे रखता था और कहता था अगेंस्ट द विश ऑफ गॉड ये लोग धरती पे, इन्हें कोई राइट नहीं है जिंदा रहने का, तो इसलिए इनको मार देते थे। तो इस वजह से हिटलर ने पुअर ट्रीटमेंट किया विद ज्यूज। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिटलर हारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर हारा तो नाजीज को सुसाइड कमिट करने पड़े थे, हिटलर हिमसेल्फ कमिटेड सुसाइड।